दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक मशीन के बारे में। मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था सिंगल स्पिंडल ऑटोमेटिक मशीन क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं हम मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक मशीन क्या होती हैं। दीज आर फास्टेस्ट टाइप प्रोडक्शन मशीन। एक ऐसी मशीन होती हैं फास्टेस्ट टाइप प्रोडक्शन मशीन होती हैं और आर मेड इन वेराइटी ऑफ मॉडल्स, बहुत सारे मॉडल्स में भी अवेलेबल हैं ये विद 2, 4, 5, 6, 8 स्पिंडल्स। इन कॉन्ट्रास्ट विद सिंगल स्पिंडल मशीन्स वेयर वन ट्रेट फेस एट अ टाइम इज वर्किंग ऑन वन स्पिंडल, बट इन मल्टी स्पिंडल मशीन्स ऑल ट्रेट फेसेस वर्क ऑन ऑल स्पिंडल एट सेम टाइम। मतलब सिंगल स्पिंडल ऑटोमेटिक मशीन में एक बार में एक ही ट्रेट फेस काम करता है, ठीक है, बट मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक मशीन में ट्रेट फेसेस, ऑल ट्रेट फेसेस वर्क ऑन ऑल स्पिंडल्स एट सेम टाइम। प्रोडक्शन कैपेसिटी इज हायर। इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है वो कैसी होती है, हायर होती है, हाई होती है। मशीनिंग एक्यूरेसी इज लोअर। मशीनिंग एक्यूरेसी लोअर होती है कंपेयर टू सिंगल स्पिंडल मशीन के कंपेयर में। बिकॉज ऑफ लार्जर सेट ऑफ टाइम, इंक्रीज टूलिंग कॉस्ट, दिस मशीन आर लेस इकोनॉमिकल देन अदर और शॉर्ट रन मोर इकोनॉमिकल फॉर लॉन्गर टाइम। मतलब जो इसकी जो लार्जर सेट ऑफ टाइम, इसमें जो लार्जर सेट ऑफ टाइम होता है इसकी वजह से इसकी जो टूलिंग कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है और इसीलिए ये लेस इकोनॉमिकल होता हो जाती है ये। और जो शॉर्ट टाइम जो रन करती हैं, शॉर्ट रन जो मशीन्स होती हैं वो मोर इकोनॉमिकल होती हैं लॉन्ग रन की मशीन के कंपेयर्ड में। तो दोस्तों ये तो थ्योरी हो गई आपकी मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक मशीन। अगर आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक मशीन क्या होती है तो आप कुछ चार पॉइंट ये मैंने बताए हैं आपको ये लिख देना, पर लेकिन कोशिश करना आप जब एग्ज़ाम देने जाओ वहाँ पर डायग्राम जरूर बनाओ, क्योंकि डायग्राम अगर बनाते हो और थ्योरी लिखते हो तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो देखिए इसका डायग्राम मैं बनाता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से बनता है मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक मशीन का डायग्राम। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्पिंडल हैं। ये आपके देखो स्पिंडल कैरियर है और इंडेक्स डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉक वाइज। ये टूल साइड है और ये टूल होल्डर है। और पोजिशन कितनी बन सकती है, टूलिंग पोजिशन कितनी हो सकती है, 12। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।